देखो ओवरलोडेड भाई, बिल्कुल प्याज भी डला हुआ है, धनिया, नींबू, दो तरीके की चटनी भी है मैंने आपको दिखाई थी, क्रंचीनेस और आ जाए तो यहाँ मजा आ जाए, है ना। इतनी भीड़ भाई, इतनी भीड़ दोस्तों, सिविल लाइन्स में भाई कहाँ हो सकते हैं बताओ। चलो जिसने बोर्ड देख लिया वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताओ, आइडिया लो, पता लग गया। तो जी हाँ दोस्तों, सिर्फ फतेह चंद की कचौड़ी पे भाई इतनी भीड़ हो सकती है भाई। जैसे ही बचते हैं 10:30 और 11, सिविल लाइन्स में भाई भीड़ लगनी शुरू हो जाती है दोस्तों। जो मेन है, जो जहाँ से फतेह चंद की कचौड़ी की शुरुआत हुई थी भाई, आज मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। एक लोड देखो बन चुका है और भाई खुलते ही ऐसी भीड़ टूट पड़ती है ना इनके ऊपर भाई, मज़ेदार भाई धमाधम। 10 मिनट में दोस्तों गोली की स्पीड से इनका ये ख़त्म हो चुका होता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, कहाँ पर आ चुका हूँ मैं भाई, गुजराती समाज। जी हाँ दोस्तों, तो चलो भाई देखो, साइकिल पे लगाते, ये अदरक रखा हुआ है यहाँ पर, ये भाई धनिया रखा हुआ है, और भाई ये लो फतेह चंद की शान, इनकी खस्ता कचौड़ी भाई बहुत क्रंची होती है दोस्तों। पहली बार खाऊंगा गुजराती समाज पे भाई मैं भी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो भाई, कुलचा भी मिलता है, और ये भाई इनके नींबू वगैरह, ये कुलचा जिस पे गरम करते हैं भाई, वो चूल्हा रखा हुआ है। ये दोस्तों है पीली मिर्च है, सफ़ेद दोस्तों नमक है, बर्तन वगैरह दोस्तों सब बहुत बढ़िया स्टील के यहाँ पर ये बर्तन यूज़ करते हैं। और ये लो भाई, ये आगे अपने कौन सी सीट्स है बताओ, सनफ्लावर सीट्स है, तो भाई दिखाऊंगा ये भी सनफ्लावर सीड्स है, इनमें क्या डलेगा भाई, अभी तो पतीला खाली है। और ये दोस्तों ये है मटर, मटर है दोस्तों, छोले नहीं है, मटर मिलते हैं भाई, कहने के आते हैं बस। ये दोस्तों आगे इनकी मीठी सॉस देखो भाई, कितनी दोस्तों गरम गरम लाजवाब खुशबू आ रही है भाई, फ्रेश कितनी है यार, ये देखो कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है दोस्तों। अब चलेगा कंप्यूटर, अब हो चुके हैं भाई लगने दोस्तों अपने मटर तैयार। देख लो भाई, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी गाढ़ी मटर है भाई, और इतनी गाढ़ी मटर भाई चिपकेगी भी नहीं कचौड़ियों पे। तो भाई थोड़ा बहुत दोस्तों पानी तो देखो डालना पड़ेगा ताकि ग्रेवी बन जाए। और दूसरे लॉट के लिए यहाँ पर भीड़ दोस्तों ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है। तो यार इतना अमेजिंग स्वाद है इनका, बहुत दूर दूर से लोग भाई खाने आते हैं। ये दोस्तों इसके ऊपर पड़ चुके हैं भाई पीली मिर्च इनकी। जी हाँ दोस्तों, अपने छोले बनने जा रहे हैं, मटर बनने जा रही है। दोस्तों आ गया सफ़ेद नमक, देखते हैं और क्या क्या डलेगा भाई इसमें। ये है दोस्तों इनकी ग्रीन चटनी, जिसे भाई मिर्ची वाली चटनी कहते हैं। ये दोस्तों आ चुकी है, दो बार डाल दी। अब इसमें दोस्तों डलेगी मीठी सॉस, डलेगी या क्या डलेगा, चलो देखते हैं आगे। अब हम ये दोस्तों अब इसमें डलेंगे नींबू। तो भाई क्लेम मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने बताया यही था कि जो शुरुआत हुई थी फतेह चंद की, वो भाई यहीं से हुई थी, गुजराती समाज के यहाँ से ही, और बाकी जो और दो तीन खुल गए तो भाई वो इनके अपने खुले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों नींबू की बारिश हो चुकी है यहाँ पर, देखते हैं कितने नींबू डालेंगे। जितना लग रहा है भाई दो ही नींबू डालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही पतीला बनाया, तो इतना ही पतीला बनाते हैं दोस्तों एक बारी में ये, तो जितनी बिक जाए बिक जाती है, बाकी और बन जाते हैं। तो दोस्तों मात्र ये लगाओ 5 से 10 मिनट लगते होंगे बस बनने में, और अभी आगे आप देखेंगे भी कि भाई कितनी जल्दी जल्दी फटाफट इनका हाथ चलता है। ये आगे दोस्तों इसके ऊपर धनिया, ये आगे अपने अदरक के लच्छे, और लो भाई अदरक के लच्छे भाई। तो क्वांटिटी तो भाई ज़बरदस्त है, क्वालिटी भी अमेजिंग है। जो भाई देखो भिगोने में अपनी मटर थी, उस पर भी भाई इन्होंने पहले ही अदरक के लच्छे और धनिया डाल दिया है, ताकि भाई आगे देर ना लगे। तो भाई हाथों हाथ यहाँ पर बहुत ही दोस्तों तेज़ी से काम होता है, ये नहीं कि आपको 15 मिनट 20 मिनट भाई वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 5 मिनट रुकना पड़ेगा जो नया लोड तैयार होगा, वो तो भाई देख लो भाप निकल रहा है दोस्तों, गरम गरम फ्रेश। मैंने आपको स्टार्टिंग में वो तसला भी दिखाया था जिसमें इन्होंने कोयला रखा था, तो भाई वहीं से भाई ये गरम 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 होता रहता, तो ठंडा माल यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप गरम गरम खस्ता कचौड़ी का स्वाद लीजिए, और देख लो कितनी देर लगी बताओ, 2 मिनट लगी होगी। 2 मिनट में दोस्तों ये रेडी हो चुकी है, और वो सिस्टम चल चुका है, कंप्यूटर चल चुका है इनका। तो आप ना एक बार कड़ची में ना ध्यान से देखो कि खस्ता कचौड़ी के ऊपर कितनी क्वांटिटी में ये लगा रहे हैं। तो एक प्लेट में दोस्तों 2 मिलती है, 40 रुपये की 2 खस्ता कचौड़ी मिलेंगी आपको यहाँ पर। और ये देख लो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेट, तो दोस्तों धमाधम 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 भाई ये भरता रहता है। जितने भी इनके पास ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से भाई ये क्वांटिटी अपनी बना लेते हैं। लेकिन जो खस्ता कचौड़ी के ऊपर ये मटर का लेप लगाते हैं ना,
वो भाई सब पे सामान्य लगता है, आप देखेंगे भी आगे, तो आप देखते चले जाइए, देखते रहो भाई। और जिसको भाई जैसा लेना हो यार वैसा ले लेना, ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने बना दिया तो यही मिलेगा। यहाँ पर आपको ये देख लो, क्लोज लुक देखो यार कितना हरा भरा भाई अपना मटर लग रही है, मज़ा आ गया दोस्तों। ये देखो क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ेदार यार, मज़ेदार चीज़ है भाई ये। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट और लंच या जो भी कुछ कह लो भाई, यहाँ पर एक स्टॉक तो लगा ही लो। अब स्नैक ऑप्शंस में भी इसको भाई यूज़ कर सकते हैं लोग, तो यार पैक करा करा के ले जाते हैं 10 प्लेट 15 प्लेट, मतलब जो आसपास के रहते हैं भाई वो तो करा ही लेते हैं। ये देख लो कितनी देर लगी, ओ बस 30 सेकंड से 1 मिनट लगा हुआ, और कितनी जल्दी भाई कितनी सारी इन्होंने खस्ता कचौड़ी की प्लेट दोस्तों रेडी कर दी है। और सबसे अच्छी बात है भाई, अगर आपको अदरक नहीं डलवानी इसके ऊपर एक्स्ट्रा, वो नहीं डलेगी। मिर्च नहीं डलवानी भाई, वो भी नहीं डलेगी। ज़्यादा स्पाइसी कराना हो आपको दोस्तों, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आपको धनिया भी नहीं डलवाना तो भाई वो भी नहीं डलेगा। ऐसी ले लो भाई, ऐसी ले लो। तो यार बहुत सारी वैरायटीज़ के ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे लेना हो भाई वैसे ले सकते हैं। और देख लो ये एक लेयर तो खस्ता कचौड़ी की इनके पास यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और उसी के ऊपर भाई ये दूसरी लेयर भी लग गई। तो भाई टेस्ट तो दोस्तों देखो बोलता है भाई, लोग इतनी भीड़ ऐसी थोड़ी लगाते हैं भाई यहाँ पर। और देखो कितनी देर में, कितनी जल्दी भाई, बस 2 ही मिनट हुई होंगी मुश्किल से। और ये पतीला भाई जिसमें मटर बनी थी ना या छोले बने थे जो भी कुछ कह लो, वो बस खाली हो चुका है, हो ही गया खाली, कसर ही नहीं बची कुछ। अब ये तीसरी भी भाई लाइन लगने वाली है बस, और धमाधम 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 सिलसिला शुरू हो जाएगा भाई अपना खस्ता कचौड़ी मिलने का। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि खस्ता कचौड़ी के ऊपर अब ये इनके ऊपर और क्या क्या डालेंगे, इतना ही मिलेगा या कैसे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। अलग से भाई ऑर्डर था, अगर आपको अलग से अगर इसमें सिर्फ हरी सॉस डलवानी हो ना, जो हरी चटनी थी भाई, आप वो भी डलवा सकते हो। क्लोज से देखो भाई, मुझे जो लेयर है ना वो काफ़ी मोटी लग रही है। अगर आपको छोले छोले लेने हो तो भाई छोले छोले भी ले सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे भाई, वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको छोले कुलचे सेपरेट लेने हो वो भी ले लेना। ये दोस्तों देखो ये धीरे धीरे करके इसके ऊपर अब मीठी सॉस जानी दोस्तों शुरू हो चुकी है। ये पीली मिर्च भाई दोस्तों दोबारा डालेंगे, और ऊपर से देखिए दोस्तों अनियन भी जाने शुरू हो चुके हैं, और मीठी सॉस भी इसमें डलेगी, खट्टी सॉस भी, वो हरी चटनी भी डलेगी, लाल पीली मिर्च भी डलती जा रही है, अनियन भी डल जाएंगे, अदरक के लच्छे भी डल जाएंगे। तो भाई जैसा ले लो भाई वैसा ले लो यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है यार ये तो, ज़बरदस्त। तो चलो देखते हैं अब इसके ऊपर और ये कैसे हरा भरा बनाएंगे। और अगर पैकिंग का सामान चाहिए तो भाई पैकिंग भी हो जाएगी, देख लो हो भी रही है यहाँ पर पैकिंग। ये लो ये हो गई दोस्तों अपनी यहाँ पर 2 प्लेट पैक, अपने कस्टमर्स की भाई लोग पैक करवा के घर भी ले जाते हैं जो यहाँ पर खड़े होके खाना प्रेफर नहीं करते। तो देख लो बिल्कुल अभी तक तो भाई बिल्कुल पीला पीला सा माहौल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर पूरी इन्होंने यार पीली मिर्च डाल दी है। अब देखो इसके ऊपर अब आएगा भाई ये हरी मिर्च का दोस्तों जो उन्होंने पानी बनाया था। अगर आपको नहीं डलवाना तो भाई ऐसे ही खा लो, मौज लो और खा के, और क्या है, देख लो भाई भीड़। और लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब सबके ऊपर भाई ये डालेंगे अपनी मीठी सॉस, और उसके ऊपर देखिए दोस्तों धनिया, और भाई बस अब ये मिलना शुरू हो जाएगा। अदरक का लच्छा देखिए फिर से जा चुका है, तो दो दो बार दोस्तों अदरक का लच्छा डलता है, धनिया डलता है, मीठी सॉस डलती है, हरी चटनी डलती है, तो भाई ज़बरदस्त चीज़ है यार। और उसके ऊपर से अगर आपको प्याज एक्स्ट्रा लेना हो तो और लेना है, तो भाई ये लो हमारी प्लेट तो भाई रेडी है। तो चलो आपको थोड़ा सा ना क्लोज लुक दिखाऊँ प्लेट का, ये देखो भाई भीड़ देख लो, और देख लो भाई और आ गए। तो भाई आसपास यहाँ पर ऑफिसेज भी है, तो भाई ऑफिस के खाने वाले लोग भी आते हैं। दूसरे लॉट में भी दोस्तों ज़बरदस्त भीड़ है, जितनी भीड़ पहले लॉट में थी भाई उतनी ही भीड़ है। और ये देखो भाई अपनी खस्ता कचौड़ी यार एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों रेडी हो चुकी है भाई। अब इसको खाएंगे और अब आगे आपको दिखाते हैं, ये लोग सारे पे लग गए, कितना बढ़िया छोटा, चलो खा के बताते हैं अब आप। तो दोस्तों फतेह का स्वाद तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन जिसे कहते हैं ना जो रियल रियल फतेह चंद की कचौड़ी, जो मतलब काफ़ी सुना भी हमने, तो जो हमने आपको पहले दिखाई थी सेंट जीवियर्स के वहाँ पर भाई, वो इनके चाचा ताऊ के लड़के हैं वो लगाते हैं जो, लेकिन रियल जो शुरुआत हुई थी भाई वो गुजराती समाज के यहाँ से हुई थी। देख लो मेकिंग देखी होगी आपने सब कुछ भाई, 40 रुपये में दोस्तों 2 कचौड़ियाँ हैं। हाँ महंगी तो है लेकिन भाई स्वाद भी तो है ना, फिर देखो ओवरलोडेड भाई, बिल्कुल प्याज भी डला हुआ है, धनिया नींबू 2 तरीके की चटनी भी है मैंने आपको दिखाई थी, क्रंचीनेस और आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, क्रंच इज अल्टीमेट, इट्स रियली सुपर्ब क्रंच मैन। और साथ में खट्टी मीठा भाई स्वाद है, हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं कराया, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी कराने हो तो यहाँ पर कस्टमाइज भी हो जाएगी जैसा आपको चाहिए, और अगर आपको बिना अदरक के चाहिए बिना प्याज के चाहिए तो
तो भाई वो भी मिल जाएगी। सिर्फ तीखी तीखी चटनी चाहिए तो जैसा आपको चाहिए दोस्तों वैसा मिल जाएगा यहाँ पर। ये होती है दोस्तों एक चीज़ यार, स्वाद दोस्तों इनका बहुत अल्टीमेट है। तो दोस्तों एक बार, वैसे तो दिल्ली वालों ने भी बहुत खा रखे फतेह चंद की कचौरी, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं दोबारा बता दूँ, जो रियल फतेह चंद की कचौरी का स्वाद है मैं वो गुजराती समाज वाली रोड पे ही है। तो सर लोकेशन डालोगे ना आप गुजराती समाज तो वह डायरेक्ट इनके पास आ जाओगे, राइट हैंड साइड में आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए फिनिश करता हूँ मैं इस कचौरी को, मिलते हैं आपसे हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।